अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फिदा अहमद है और आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल पर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही कॉमन पेन के बारे में बात करूँगा। पहले वो पेन सिर्फ और सिर्फ बुज़ुर्गों में पाई जाती थी, लेकिन आजकल हर नौजवान बंदा, लड़का, औरत, हर नौजवान भी इस पेन का शिकार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमर दर्द के बारे में। बैक पेन बहुत ही कॉमन पेन बनती जा रही है और बहुत से लोग हर बंदा ही तकरीबन इस पेन का शिकार है। कमर दर्द की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजूहात पर मैं फिर किसी वीडियो में बात करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कमर दर्द का इलाज बताऊंगा बजरिया सुजोग थेरेपी। पहले दिन से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप उसी थेरेपी को 15 दिन से 20 दिन आप यूज़ करते हैं। और जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपने सेम टू सेम उसी ट्रिक को अप्लाई करना है। 15 से 20 दिन अगर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आपकी पेन ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली लोगों को वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी बैक पेन हो जाती है। वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, दूध पिएं, अंडे खाएं और अच्छा गोश्त खाएं। तो सबसे पहले आपने पेशेंट का लेफ्ट हैंड लेना है। अच्छा, मैं आपको जो भी थेरेपी बताता हूँ, जो भी ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ, आप उसे दोनों हाथों पर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लेफ्ट हैंड पर यूज़ करें, आप राइट पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट आपको चाहिए तो आप दोनों हाथों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने पेशेंट के लेफ्ट हैंड में देखना है कि ये जो दो फिंगर्स हैं दरमियान की, ये फिंगर्स अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी दिस इज़ योर लेग्स। अब लेग्स के दरमियान में आपको नस फील होगा, यहाँ पर एक ना गड्ढा सा फील होगा, ये एंड तक जा रहा है, ये गड्ढा यहाँ तक जा रहा है। तो ये सारा आपका लंबार का एरिया है, मतलब आपकी बैक पेन बैक का एरिया है। तो आपने इसकी अच्छी तरह मसाज करनी है, एक से दो मिनट आपने अच्छी तरह इसकी अंगूठे के साथ पकड़ के मसाज करनी है इस तरह। दो से तीन मिनट भी कर सकते हैं, पाँच मिनट भी आप इसकी मसाज कर सकते हैं। जितना आप मसाज करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। आफ्टर मसाज आपने रेड कलर लेना है, आम मार्कर है, परमानेंट मार्कर ले लें, कोई भी मार्कर आप ले लें, किसी भी बाज़ार में आपको किसी भी जगह से मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने रेड कलर यहाँ पर अप्लाई कर देना है। इस तरह आपने रेड कलर अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने ये चना ने उसको टेप के ऊपर लगा लेना है, और जहां पर हमने रेड कलर लगाया उस एरिया में आपने इसको अप्लाई कर देना है। इसको कवर करने के लिए आप एडिशनली टेप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा आपको मिलेगा आपकी इंडेक्स फिंगर के अंदर। आपने इस जगह पर रेड कलर लगा देना है और इस पर भी आपने मसाज करनी है थोड़ी सी। और मेथी दाना, ये देखें, ये है मेथी दाना आपने ले लेना है। इसी तरह ही आपने इसको भी टेप पर लगा लेना है और इस जगह पर अप्लाई कर देना है। एडिशनली आप इसके ऊपर और भी टेप यूज़ कर सकते हैं कवर करने के लिए। तो ये दो आपके पॉइंट्स हो गए। आपने इन पॉइंट्स को हर आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद एक्टिव करना है, मतलब स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट का मतलब ये होता है एक्टिव करना पॉइंट को, थोड़ा सा मसाज देना या प्रेशर देना, स्टिमुलेट का मतलब ये होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से मरीज ऐसे हैं जो पेन किलर्स खा खा के तंग आ गए हैं, लेकिन उनकी कमर का दर्द बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। वो जैसे पेन किलर छोड़ते हैं दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से, आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से वो किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल सकती है और वो घर बैठे बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकता है और पहले दिन से ही उसको आराम मिलेगा। और अगर वो ये ट्रीटमेंट को 10 से 15 दिन कर लेगा तो उसको परमानेंट बिल्कुल आराम आ जाएगा। उसकी कमर का दर्द जितना भी पुराना होगा, 10 साल 15 साल पुराना होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।